तेजस्वी यादव को है कांग्रेस से प्यार, पर कन्हैया कुमार के नाम से क्यों है इनकार। बिहार की राजनीति में बार बार इस बात की चर्चा होती है कि तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो कन्हैया कुमार जो पहले वामपंथी नेता थे, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष थे और बाद के दिनों में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तेजस्वी यादव कभी भी कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते हैं। कई बार ऐसे मौके आए जब लोग देखना चाहते थे कि शायद कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच पर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ कभी दिखा नहीं। लेकिन इस बात की पुष्टि बिहार में एक बार फिर से हो गई जब बिहार में प्रजापति यानी कि कुम्हार समाज का एक कार्यक्रम राजधानी पटना के बापू सभागार में होने वाला था। इस कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के तौर पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बुलाया गया था, लेकिन इसमें बतौर अतिथि कन्हैया कुमार भी आमंत्रित थे। कायदे से उद्घाटन तेजस्वी यादव को करना था, लेकिन तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंचे। तेजस्वी यादव उद्घाटनकर्ता के तौर पर आमंत्रित थे, लेकिन वो इस कार्यक्रम में नहीं गए। इसके बाद से ही बापू सभागार में कानाफूसी शुरू हो गई कि चूंकि कन्हैया कुमार इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, लिहाजा तेजस्वी यादव नहीं आए। इस दौरान वहाँ पर आरजेडी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री इजराइल मंसूरी भी वहाँ मौजूद थे, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, और कन्हैया कुमार तो थे ही। मीडिया कर्मियों ने बार बार उनसे इस बात को लेकर जानकारी मांगनी चाहिए कि तेजस्वी यादव आखिर यहाँ आए क्यों नहीं, लेकिन तीनों नेताओं ने ही सवालों को टाल दिया। सवाल के जवाब देने से बचते रहे। कन्हैया कुमार भी बचते रहे, अशोक चौधरी भी बचते रहे और इजराइल मंसूरी तो बचते ही रहे। जब कन्हैया कुमार से मीडिया सवाल पूछती रही कि तेजस्वी यादव नहीं आए क्या कहेंगे आप इस पर, तो बोले कि कार्यक्रम सुनिए, मंच संचालक कुछ बोल रहे हैं उनको सुनिए। अशोक चौधरी से जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि प्रॉपर तरीके से आमंत्रित नहीं किया गया होगा तेजस्वी यादव को, इसलिए वो नहीं आए। लेकिन मामला दूसरा है। बिहार की सियासत के जानकार जो बिहार की राजनीति पर दिलचस्पी रखते हैं, बिहार की राजनीति पर विश्लेषण करते हैं, वैसे राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेजस्वी यादव भी युवा हैं, कन्हैया कुमार भी युवा है। कन्हैया कुमार बहुत अच्छा बोलते हैं, कन्हैया कुमार शानदार वक्ता है, कन्हैया कुमार एक अच्छे संगठनकर्ता भी हैं। कन्हैया कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने संगठन का भी काम लंबे समय तक किया है। ऐसे में बिहार की राजनीति में आरजेडी या तेजस्वी यादव की बात कर लें, वो कांग्रेस से प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन कमज़ोर कांग्रेस से प्यार करते हैं, मजबूत कांग्रेस कतई पसंद नहीं। और कोई भी राजनीतिक दल, भले ही वो एक दूसरे के गठबंधन का सहयोगी हो, यह बात सिर्फ कन्हैया कुमार या तेजस्वी यादव, आरजेडी या कांग्रेस की नहीं है। बीजेपी जेडीयू के बीच भी जब गठबंधन था, तालमेल था, तब भी स्थिति सामने थी। दो राजनीतिक दल कभी परस्पर एक दूसरे को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। बिहार की राजनीति में आरजेडी सबसे बड़ा दल है, तो इसलिए है कि यादवों के साथ साथ मुसलमानों का समर्थन उनको हासिल है। माई समीकरण आरजेडी को बिहार की सबसे मजबूत पार्टी बनाता है, और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो बीजेपी का विरोधी वोटर है, वो आरजेडी के साथ चला जाता है, क्योंकि आरजेडी के पास पहले से कैडर वोट है। और जिस तरीके से कन्हैया कुमार मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकार, शोषण, दमन से मामलों को बड़ी मजबूती से अलग अलग मंचों पर रखते हैं, और संगठन के काम तो कन्हैया कुमार पहले से जानते हैं। अगर कन्हैया कुमार की वजह से कांग्रेस में थोड़ी सी भी जान आई, कांग्रेस थोड़ी सी भी एक्टिव हो गई, तो यह आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए अच्छा नहीं होगा। आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन आगे भी चलेगा, लेकिन कांग्रेस आरजेडी की शर्तों पर नाचती हुई दिखाई देती है। आरजेडी की बैसाखी पर जो चलती हुई नज़र आती है, वो बैसाखी समाप्त हो जाएगी। और गठबंधन जो है, अगर मान लीजिए कि कन्हैया कुमार की मेहनत से बिहार में जो अल्पसंख्यक वोटर है, जो मुस्लिम वोटर है, वो उनका थोड़ा सा भी रुझान अगर कांग्रेस की तरफ हो गया, तो स्थिति क्या होगी। खास करके जब से शहाबुद्दीन, जो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन थे, उनका मसला जब से बिहार की राजनीति में आया, बार बार उनके मसले को उठाया जाता है कि अंतिम समय में आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने उनकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। कई दिनों तक उनकी लाश अस्पताल में पड़ी रह गई, लेकिन फिर भी आरजेडी की तरफ से कोई नहीं पहुँचा। तो ऐसे में अल्पसंख्यक वोटर जो है, वो विकल्प के अभाव में आरजेडी के साथ है।
और अगर कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं कांग्रेस के लिए और अल्पसंख्यक वोटरों को अपने पाले में ले आते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष मतदाता है, भाजपा विरोधी वोटर है, उसको अपने साथ कनेक्ट करते हैं, तो तेजस्वी यादव के लिए भविष्य का खतरा हो सकता है। यही वजह है कि कन्हैया कुमार के साथ तेजस्वी यादव कभी आते हुए दिखाई नहीं देना चाहते हैं। बिहार और देश दुनिया की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए, खबरों के पीछे के विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।